महंगे खाने के तेल से आम लोगों को जल्द राहत नहीं मिलने वाली है। नए साल का आगाज होने वाला है और नए साल में भी उपभोक्ताओं को खाने के तेल खरीदने के लिए ऊंची कीमत चुकानी होगी। माना जा रहा है कि मार्च 2022 के बाद सरसों की नई फसल आने के बाद ही मौजूदा स्तर से खाने के तेल में 7 से 8% की कमी आ सकती है। देश में खाने के तेल की कीमत 200 रुपए के प्रति किलो के पार पहुंची है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन, सनफ्लावर, पाम ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है, जिसके देश में खाने के तेल के दामों में इजाफा हो रहा है। भारत खाने के तेल की खपत का लगभग 70% आयात करता है। क्या आपके घर पे नहीं है सामान और आने को है मेहमान, तो किस बात की है टेंशन जब बिग ब्लिस है अपने पास। सरकार ने इम्पोर्ट नीति में काफी बदलाव किया है, जिसके चलते रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की कीमतें 150 रुपए प्रति किलो से घटकर 125 रुपए प्रति किलो पर आई हैं। पाम तेल की कीमत 140 रुपए किलो से घटकर 120 रुपए और सनफ्लावर तेल की कीमत 150 रुपए किलो से घटकर 128 रुपए किलो पर आ चुकी है। वहीं मार्च 2022 के बाद सरसों की नई फसल पर सरसों तेल की कीमतें 150 रुपए प्रति किलो तक आ सकती हैं, जो इस समय 200 रुपए प्रति किलो के पार जा पहुंच चुकी थी। हालांकि खाने के तेल की कीमतों में इस गिरावट के बावजूद ये 2019 के मुकाबले 25 से 30% ज्यादा ही कीमत पर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।